हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपका दोस्त सुनाम, आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो में। आई होप सो सब लोग सुपर होंगे गाइस। तो गाइस सॉरी यार, मैं लास्ट वन मंथ से एक भी व्लॉग नहीं छोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि देखो यार अभी एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं और अभी भी चल रहा है। और एक्चुअली सच कहूँ हम बहुत लेट है, अभी टाइम हो रहा है 8:30 ऑलमोस्ट सुबह का, और मैं जा रहा हूँ आज कोरापुट फिर जाके। और कहाँ जाऊँगा मेरे को खुद को भी ठीक से नहीं पता, पहले हम चढ़ते हैं फिर जाके आपको कुछ दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और देर किस बात की, लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। चलिए तो गाइस यहाँ पे मैं निकल गया था। एक्चुअली क्यों निकला था आपको बोला नहीं था, तो मैं कह दूँ गाइस यहाँ पे मैं निकला था अपने मम्मी को देखने के लिए, क्योंकि मैं आपको बोला भी नहीं है यार, लास्ट वन मंथ बैक को मेरी मम्मी का जो ASI का ट्रेनिंग होता है, मतलब कॉन्स्टेबल से जो वन स्टार का जो ट्रेनिंग होता है, वो गिरा था। तो 4 महीने का ट्रेनिंग, और हमारे गाँव से ऑलमोस्ट कोरापुट 110 किलोमीटर का डिस्टेंस में है, और मम्मी को वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। तो इस बार संडे मैं आया था देखने के लिए मम्मी को। तो चलिए हम चलते हैं, और बहुत सारे जगह भी हम लोग घूमे गाइस, आपको भी दिखाने वाला हूँ कहाँ कहाँ घूमे हम लोग। चलिए देखते हैं क्या क्या खर्च हुआ, मैं क्या 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 हूँ आपको सब दिखाने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना गाइस, हम लोग गाँव तो एंटर कर गए हैं, पर यहाँ पे जो ट्रेनिंग है गाइस, आप भरोसा नहीं करोगे, कोरापुट जो एरिया है वहाँ पे एक इंसान को तक नहीं पता कि पहाड़ को काट के एक पुलिस का जो पुलिस का प्रैक्टिस ट्रेनिंग दिया जाता है वैसा कुछ बनाया गया है। लोगों को एक मतलब पहाड़ तक नहीं पता है गाइस, आप लोग देख सकते हो। एंटर देने के बाद हम ऐसे कुछ एरिया में पहुँच गए, पूरा एक पहाड़ को ही काट दिया भाई, भरोसा नहीं हो रहा है मेरे को। पहाड़ कैसे क्या किया मेरे को कुछ आइडिया नहीं, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब कुछ बांध दिया। और यहाँ पे हम ऊपर जाने के बाद सामने हमें मम्मी मिले, जो कि बहुत खुश थे ऑब्वियसली। तो दिखाता हूँ और क्या क्या कर रहे हैं, चलिए चलते हैं। वहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का एरिया है यार, बहुत जब यहाँ से आते हैं तो सब लोग को डिप मिलता है, पर जब चढ़ना है तो भाई पूरा पहाड़ी है ये। तो और चलिए रोकता हूँ थोड़ा वीडियो, नहीं तो कोई पकड़ लेगा यार। मम्मी को पिकअप करने के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं गाइस यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे एक्चुअली मैं पहाड़ के अंदर है, हम लोग पहाड़ के अंदर तो नहीं, पर पहाड़ काट के बनाया गया तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे एक्चुअली में। तो और देखते हैं यार, पर अभी के लिए तो मस्त है यहाँ पे एक्चुअली में। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक मंदिर तक भी है यहाँ पे, और इधर और यहाँ पे जो है सबको क्लासेस हो रहा है, जो भी यहाँ पे आर्मी के कुछ लोग हैं उन लोगों को भी, और सब पुलिस लोग जिनको कांस्टेबल से जो ASI के लिए सिलेक्शन हुए हैं उन सब के लिए भी। और मंदिर तो आपको दिखा चुका हूँ, और यहाँ पे पूरा ट्रेन लाइन, मेरे को लगा कुछ एक्टिंग वैक्टिंग के लिए है, पर एक्चुअली में वो ट्रेन लाइन है। और यहाँ पे मेन गेट जो सबको एंट्री नहीं है, हम कुछ देर के बाद मिलते हैं गाइस। यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर के टेम्पल में आ गए हम लोग, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसे ऊपर आते हुए। तो यहाँ पे तो गाइस मैं एक्चुअली थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ, क्योंकि अंदर जाने में भी इतना डिस्टेंस था। तो यहाँ पे अंदर तो चले गए हम लोग, यहाँ पे एक प्रसिद्ध, मतलब पूरी जो आप लोग सुने ही हो गए गाइस, जहाँ जॉन जो भी स्टेट से आप लोग हो, उड़ीसा का पूरी आप लोग जैसे भी सुने हो गए, यहाँ पे बहुत फेमस टेम्पल होता है। पर उसके बाद सेकेंड सबसे फेमस टेम्पल यही है गाइस। और ये देखो भाई, मैं ऐसे टेस्ट कर रहा था कैमरा, रिफ्लेक्शन देखो भाई कैसे क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा है ये रिफ्लेक्शन कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट सन के रेस में मैं आया था। तो यहाँ पे मंदिर चढ़ रहे हैं, आपको एक बिट बाय बिट में सब दिखाने वाले। चलिए गाइस यहाँ पे फाइनली एक बाय एक सब कुछ, अमरनाथ फिर केदारनाथ, सब भगवान जो प्रसिद्ध होते हैं सबका यहाँ पे फोटो लगाया गया है, मतलब मूर्ति है ये, मूर्ति है क्या है मेरे को भी ठीक से पता नहीं चला।
पर लग तो थ्री डायमेंशनल लग रहा था, तो शायद से चीज़ ही है वो, मतलब पत्थर ही है वो, फोटो नहीं है लग रहा था मेरे को। तो यहाँ पे हर एक, मतलब बहुत सारे भगवान थे गाइस, यहाँ पे बहुत सारे थे। तो आप लोग देख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट स्किप कर सकते हो यार डायरेक्ट। तो चलिए दिखाता हूँ वापस। बाहर का व्यू कुछ ऐसा था गाइस, कुछ ज़्यादा ही धूप हो रहा था यहाँ पे, पर ये एरिया थोड़ा ठंडा था गाइस। यहाँ पे ऑलमोस्ट 27-28 डिग्री का टेम्परेचर था, जो कि मेरे को ठंडी लग रहा था, इतना भी गर्म नहीं लग रहा था, पर धूप था जो कि पता चल रहा है। तो चले चलते हैं यहाँ से गाइस। फाइनली हम लोग खाने के लिए आ चुके हैं, और आपको दिखाता हूँ हम कहाँ पे आए हैं, अभी दिखा रहा हूँ एक सेकेंड। हम लोग आए हैं आलिशान डॉल्फिन रेस्टोरेंट, जो कि कैसा होगा हमको भी नहीं पता, बस रेटिंग सबसे ज़्यादा था इसलिए आ गए। तो चलते हैं गाइस, और यहाँ पे बाइक जो कि हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो गाइस फाइनली खाने के बाद हम निकल गए थे यहाँ पे एक सबसे ऊंचा जगह गाइस, उड़ीसा का नहीं पर हमारे स्टेट का नहीं पर ऑलमोस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ कहते हैं इसको। तो हम निकल पड़े थे यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे सीनरीज थे, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि गाइस एक दिक्कत था यार, दो अंकल के बीच में बैठा था भाई मैं, एक्चुअली मैं तो दब रहा था, पर दबने का प्रॉब्लम नहीं पर रिकॉर्डिंग कैसे ही करूं भाई मैं, बहुत दिक्कत था ना ड्राइविंग कर पा रहा था, ना इधर ये कर पा रहा था। तो कुछ कुछ छोटे छोटे सीन्स आपको दिखा दूंगा फिर वहां पे जाने के बाद जो रिकॉर्डिंग किया हूं भाई मैं, आपको हर एक बिट बाय बिट। तो फाइनली यहाँ पे गाइस जो है हम लोग देख सकते हो यार कितना ऊँचाई पर है भाई। मैं जब छोटे में था गाइस, मैं चाइना बॉर्डर, मतलब वो क्या था ना गाइस, एक कुछ होता है नेम भाई, उतना फैंटेसी था मेरे को, वो पागलपंती था कि मुझको कभी चाइना जाना है, मेरे को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भाई मेरे को वो देखना है देखना है। मैं पागल था भाई, चाइना मूवीज़ देखता था। तो भाई अब भी देखो भाई, इंडिया क्या भाई, मेरे स्टेट में ही ऐसा एरिया है भाई। पर भाई जो रोड था ये गाँव आने में, मतलब ये ऊपर आने में जितना गंदा रोड था, मतलब रोड तो ठीक है भाई, रोड है पर क्या है ना, उसका जो छोटा छोटा स्टोन से वो निकल गया है भाई, मतलब टायर्स बस स्किड कर रहा है, स्टोन्स को पीछे धकाल रहा है, उतना ही कुछ और हो ही नहीं रहा है भाई। तो आप लोग को यहाँ पे व्यू देखो भाई, बस कितना मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा है भाई, देखो एक बार। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, अराउंड 20 डिग्री यहाँ पे ठंड है, और मैं थोड़ा ज़्यादा ही नूबड़ा था जो ऐसा आ गया था, लगा नहीं था। यहाँ पे अगर कोई गेम खेलने को बोला तो भाई ख़त्म, हाथ जम वम जाएंगे भाई यहाँ पे। भाई क्या प्लेस है भाई, क्या प्लेस है, द प्लेस इज ऑसम, कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। और यहाँ से जो हम लोग आए थे गाइस, कुछ अलग ही लेवल का था वो रोड, मज़ा आ गया। वो रोड भी उधर जाने का मन कर रहा है मेरे को एक्चुअली वहाँ पे, पर घर में डांटेंगे अभी नहीं, और कभी जाएंगे, पर है तो मस्त। अभी पैराशूट भी चढ़ने का मूड में है, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए बहुत आगे आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो क्या ही सीनरी है भाई, क्या सीनरी है।
फाइनली गाइस वहाँ पे निकलने के बाद ऑल अराउंड 6 बज रहे थे गाइस इवनिंग के। मम्मी को छोड़ के हमें कोरापुट में हमें निकलना था डायरेक्ट हमारे गांव रायगढ़, मतलब 110 किलोमीटर थोड़ा दूर। मैं भी चलाया था पर फिर बाकी भाई चला लिया था। फाइनली अभी का टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7:40 और हम निकल चुके हैं कोरापुट से और हमें अराउंड 2 आवर्स लग सकता है, 2 आवर्स लग सकता है क्योंकि रात के समय में नहीं, दिन में 2 घंटे लगे तो अभी शायद से 3 घंटे लग सकते हैं और मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो शायद से और ज़्यादा लग सकता है। तो चलिए रात में मिलते हैं वापस घर जाने के बाद। तो आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 8:37 रात का और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा दूर में हैं और निकल चुके हैं ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत खा के, मतलब डिनर नहीं अभी तो, बस हम लोगों ने इवनिंग बस ऐसे ही थोड़ा स्नैक्स खा लिया है, आमलेट ऐसा कुछ। निकल तो चुके हैं पर देखते हैं कितना बजे तक घर पहुंचते हैं, बहुत थक गए हैं अभी, भैया चला रहे हैं तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 8:41 हो रहा है और हम लोग अभी रुक गए हैं गाइस थोड़ा बहुत, मतलब घास को पानी भी देना है ना गाइस, नहीं देंगे तो सुबह से हम लोग चल रहे हैं। आप लोग देख सकते हो यार यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है तो हमें यहाँ पे स्टार्स नजर आ रहे हैं गाइस, यहाँ पे देखो यार ये स्टार्स ही है। तो ऑलमोस्ट एक गाड़ी क्रॉस कर रहा है, चला गया, चलो तो कुछ देर और चलते हैं फिर जाके बात करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो गाइस टाइम अभी ऑलमोस्ट हो रहा है 10:30 और हम पहुँच चुके हैं अपना गाँव और घर पहुँचने में ऑलमोस्ट और 10-15 मिनट लग सकता है, तो देखते हैं कितना देर लग सकता है, तो चले चलते हैं। फाइनली गाइस अभी आपको टाइम दिखा दूँ, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11:03 और हम पहुँच चुके हैं गाइस। मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं मास्क भी निकाल चुका हूँ, पैंट तक भी पहन चुका हूँ और अभी सोने जा रहा हूँ गाइस। बहुत लेट हो गया घर आने तक, ऑलमोस्ट 10:40 हो रहा था फिर खा के, इन दोनों का चुलबुल तो अलग ही चुलबुल है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना और थैंक यू जो लोग शॉर्ट्स देख के सब्सक्राइब कर रहे हो यार, थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय। बहुत वीक लग रहा है जाके, मैं तो जा रहा हूँ बेड के साथ जो हर दिन हर एक इंसान करता है मैं करूँगा, मतलब सो जाऊँगा यार और कुछ मत सोचो। बाय बाय।